मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू किड्स प्लेयर चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास चार की हिंदी को, जिसका नाम है फुलवारी। फुलवारी पुस्तिका आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। पार्ट नंबर एक से स्टार्ट करेंगे और सारे पार्टों को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक किड्स प्लेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक बटन को हिट करके लाइक कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं पाठ एक, हे जग के स्वामी, इसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक्स होता है किसी भी पाठ का, हम उसकी रीडिंग करते हैं। आइए पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हे जग के स्वामी, चमक रहा है तेज तुम्हारा, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, बन तेरा श्रृंगार अमल। मेरे साथ साथ बच्चों आपको पढ़ना है। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो ये प्यारी सी कविता आपकी लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक गांव में कस्बे में जन्मे कवि सोहनलाल द्विवेदी सन 1906 ईस्वी से 1988 ईस्वी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। दूध बताशा और शिशु भारती इनकी प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। तो दो राइट रचनाएं हैं इनकी, दूध बताशा और शिशु भारती, जिनको आप याद रखेंगे, अलग से कॉपी में नोट कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और अभी नहीं तो आगे जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तब भी ये वाली रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और अभी से याद करना शुरू कर देंगे तो आगे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना या प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे ज्ञान रूपी प्रकाश के ईश्वर, सूर्य की लालिमा की तरह आपका प्रकाश पुंज संपूर्ण संसार में जगमगा रहा है, आपकी ख्याति श्वेत चांदनी जैसे इन संसार में फैल रही है। हे ईश्वर, आप ज्ञान निर्मल श्रृंगार बनकर लाखों तारों में चमक रहे हो, आपका ज्ञान रूपी प्रकाश पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, जल हो या थल सभी चमक रहे हैं। हे संसार के प्रकाश के स्वामी, स्वयं संसार के साथ साथ मेरे जीवन की राह को भी थोड़ा ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दो। या फिर इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि अगर आप संसार के सभी चीजों को प्रकाशित कर चुके हो तो फिर मेरे भी जीवन को स्वयं थोड़ा सा प्रकाशित कर दें। दो अर्थ इसके निकलते हैं, कोई सा भी अर्थ आप समझ सकते हैं, दोनों ही सही है। अब हम इसके आज शब्दार्थ पढ़ते हैं। अब तेज प्रकाश होता है, धवल श्वेत या सफेद होता है, कीर्ति यश, जल यानी थल स्थल भूमि का भाग जिसपे हम रहते हैं। आपको पता है कि भूमि सिर्फ 1/4 भाग में है, 1/3 हिस्से में आपका जल है और महासागर है। सूर्य मंडल, सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा जो होता है उसको सूर्य मंडल कहते हैं बच्चों। अमल निर्मल स्वच्छ, दमका देना प्रकाशित कर देना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम इसके बोध प्रश्न पे आ जाते हैं। उत्तर लिखिए, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? तो उत्तर लिखते हैं, कविता में यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रकाश के स्वामी, मेरे जीवन के पथ को अपनी किरणों से चमका दें और संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दें। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में सूर्य चंद्रमा और तारों को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है।
तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर लिखेंगे, कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर प्रकाश फैलाने की कामना की है। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। तो कविता की पंक्तियां उल्टे उल्टे क्रम में यहाँ पे लिख दी गई हैं, उनको हमें सीधा करके लिखना है। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जग जल थल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इनका भाव देख लेते हैं। कवि कहता है कि हे जगत के प्रकाश के स्वामी, आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हो, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी उजाला कर देना। सोच विचार बताइए, हमें प्रकाश किन किन चीजों से मिलता है? हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। यह प्रकाश के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जिससे हमें लाइट मिलती है। उसके बाद इनका, जैसे कि जो लाइट हम विद्युत, जो बिजली हमारे घरों में आती है, वो लाइट का अप्रत्यक्ष, यानी बिजली का अप्रत्यक्ष स्रोत है। सोच विचार बताइए, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? तो उत्तर लिखेंगे, हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पेड़ पौधे, प्रकाश, जल, वायु, अग्नि, मिट्टी इत्यादि। अगले प्रश्न पर मूव करेंगे, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो जल और सूर्य, यहाँ रवि, नीर, बारी, भानु, अंबु, भास्कर, पानी और दिनकर दिए गए हैं। तो सेट करेंगे, पांचवा प्रश्न है, भाषा के रंग। कविता में जल थल और जब शब्द जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को दुकान शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के तीन तीन दुकान शब्द लिखिए। तो लाल, तेरा, चमक। सबसे पहले दुकान शब्द जान लेना बहुत जरूरी है। दुकान शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि पीछे से एक जैसी होती है, जैसे लाल है तो बाल, काल, ताल, तेरा का मेरा, घेरा, डेरा, फेरा, चमक, दमक, नमक, धमक, ठीक है, इस तरह ही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, आपकी कलम से। प्रातः काल चुपचाप थोड़ी देर बाग, बगीचे, खेत, खलियान में खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो मेरी प्यारे बच्चों, ये आंसर आपको खुद से लिखना है, यानी आपकी कलम से निकलेगा ये आंसर, इसलिए आपको खुद लिखना है, बट मैं यहाँ उत्तर लेकर आई हूँ। प्रातः काल सुबह सुबह थोड़ी देर बाग, बगीचे, खेत, खलियान में खड़े होकर जब हम आसपास के दृश्यों को देखते हैं तो हमें इतना सुंदर दिखाई देता है कि एकदम साफ आसमान, सुंदर पेड़ पौधे, खेत खलियान में शांति, चिड़ी ध्वनियों में चिड़ियों की आवाज में चींची और कोयल की कूकू, सर सर चलती हवा महसूस होती है, जो आपको बहुत बड़ा सुकून देती है। अब करने की बारी। पुस्तकालय की सहायता से प्रातःकाल वर्णन की सरल कविताओं का संकलन कीजिए तथा उन्हें गाने का अभ्यास करके प्रार्थना स्थल पर समूह गान कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी उत्तर आपको खुद से करना है, बट मैं यहाँ आपको थोड़ी सी हेल्प, यानी आपकी सहायता कर सकती हूँ। तो आपको
आपकी जो किताबें हैं पुस्तकालय में, उससे प्रातःकाल वर्णन की कुछ कविताओं को लेना है और उन्हें गाने का अभ्यास करके प्रार्थना स्थल पर गाना है समूह में। तो आप हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, इस वाली कविता को भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी प्रातःकाल वर्णन पर है। तो पुस्तकालय की सहायता से प्रातःकाल वर्णन की सरल कविताओं का संकलन करके स्वयं उन्हें गाने का अभ्यास करके प्रार्थना स्थल पर समूह गान कीजिए। मेरे दो प्रश्न, कविता के आधार पर दो सवाल बनाइए, यानी कि आपको बनाने हैं ये प्रश्न, दो सवाल आपको बनाने हैं जो पोएम आपने पढ़ी है, जो कविता आपने पढ़ी है उसके आधार पर। तो मैं पहला प्रश्न बनाऊंगी, ईश्वर का प्रकाश सारी दुनिया में कैसे फैल रहा है। दूसरा प्रश्न होगा मेरा, दुनिया में प्रकाश की आजकल कौन कौन से नए स्रोत पैदा हो गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, लास्ट है आज का, इस कविता से मैंने सीखा, मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो मैंने सीखा कि आपका प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, मैं करूंगी सबके जीवन में ज्ञानमय प्रकाश भर दूंगी। ठीक है, इस तरह ये आंसर आप लिख लेंगे बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। जिसका नाम है प्यासी मैना, जो एक कहानी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं।